दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद एमएस। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए मैथ क्लास 9 का मॉडल पेपर। आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेना। मैथ क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस पेपर के, ठीक है। A20,000 कोड का ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर की हेल्प से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 9 का ये मॉडल पेपर। यहां पर आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना और उन्हें अच्छे से आप समझ के जाएंगे, हल करके प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बच्चों तो चलो शुरू करते हैं हाफ ईयरली मॉडल पेपर क्लास 9 मैथ का। यहां पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 क्लास 9 A20,000 कोड 70 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे। ए और बी खंडों में विभाजित है। पहले ए में आपको 20 OMR पर प्रश्न हल करना है। उसके बाद खंड बा में 5 वर्णात्मक प्रश्न है जिनको आपको उत्तर पुस्तिका पर हल करना है, ठीक है। कॉपी पर इनको बच्चों हल करेंगे और OMR के प्रश्न OMR में भरेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके अंक उनके सामने दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 20 OMR के प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं। बच्चों इसका सॉल्यूशन हम जल्दी लाने वाले हैं। आप लोग कह रहे हो कि पेपर दिखाओ जल्दी से आप भैया, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूं और इस मैथ के पेपर का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर लिख देना। यहां पर आप देखो संख्या अंडर रूट 2 का दशमलव प्रसार पूछा गया है, क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, जो भी सही ऑप्शन हो आप OMR शीट में भरेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में एक अपरिमेय संख्या कौन सी है, √49, √9, √16 या √18। इसके बाद निम्नलिखित में से बहुपद कौन सा नहीं है, ये समीकरण नहीं है, ये नहीं है, या फिर ये, या फिर ये, कौन सा समीकरण बहुपद नहीं है। इसके बाद अगला देखो बहुविकल्पी प्रश्न है कि px = x + 3px + p - x का मान कितना होगा, 3 होगा, 2x होगा, 0 होगा या 6 होगा। अगला है यदि x + 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा, -3, 4, 2 या फिर -2। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, 0, a, 0, 0, a या फिर a, a। इसके बाद बिंदु -6, 8 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, -6, 8, 10 या फिर 2। इसके बाद रेखा दी है एक x + 3y = z = 10 पर, x + 3y = 10 पर स्थित बिंदु निर्देशांक क्या होंगे, इतने होंगे 3, 1, 1, 3, 1, -3 या 3, -1। अगला प्रश्न है यदि x = 3y = 2 तो 2x + 3y = k का हल है तो k का मान कितना होगा, 16, 6, 4 या फिर -4। अगला है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नहीं है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है या ये सभी। अगला प्रश्न है कि 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 65 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 25 अंश, 50 अंश, 75 अंश या फिर 90 अंश। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, 60 डिग्री होता है। अगला है यहां पर त्रिभुज एबीसी में AB = BC, कोण B = 80 तो कोण ए का मान क्या होगा, 80 अंश, 40 अंश, 50 अंश या 100 अंश। अगला है कि एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली कौन सी आकृति बनती है, एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को, एक आयत है हमारे पास, ठीक है, एक आयत है यहां पर, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, मध्य बिंदु के भुजाओं को अगर आप मिला दोगे तो कौन सी आकृति बनती है, यहां पर वर्ग बन जाएंगे 2, ठीक है, ये आयत है,
इसके मध्य बिंदु को जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो दो वर्ग बन जाएंगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर या इनमें से कोई नहीं। यूक्लिड द्वारा लिखित पुस्तक एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं, 465, 460, 13 या 55। जो सही आंसर हो आप ओएमआर में भरेंगे। अगला है कि एक बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं, 0, 1, 2 या फिर 3। अगला है कि एक त्रिभुज की मध्यिका उसे विभाजित करती है दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में, दो समरूप त्रिभुजों में, दो समबाहु त्रिभुजों में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पर एक त्रिभुज अगर हम बना लें और इसमें मध्यिका को अगर इस तरह से डाल दें तो ये बताइए आप क्या बनाता है। एक त्रिभुज हमने बनाया और इसमें एक हमने मध्यिका डाल दी तो ये क्या दो समबाहु त्रिभुज में आपके दो समद्विबाहु त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा, दोनों एक जैसे त्रिभुज यहां पर बन जाते हैं अगर बीच में हम मध्यिका डाल दें। अगला है कि त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीजी तथा क्षेत्रफल एबीसी का अनुपात क्या होगा, 1:3, 3:1, 1:2 या 2:1। अब बच्चों हल करने वाले प्रश्न देख लो जल्दी से, किन्हीं पांच खंडों को हल करना है इसमें। यहां पर का वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसके बाद खा वाला है अंडर रूट 5/√5 − √3 के हर परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके बाद 256/5/4 का मान निकालो, दो नंबर का प्रश्न। बहुपद दिया x² + 5x² − kx − 12, तो x + 1 पूर्णता विभाजित करता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करना है x² − 5x − 6 का। इसके बाद बिंदु दिए हैं −2, 3 तथा 5, −6 को ग्राफ पर दर्शाइए। प्रश्न संख्या 2 में किन्हीं तीन खंडों को हल करना है बच्चों, रैखिक समीकरण 2x − 3y + 6 का आलेख खींचिए। अगला है कि चित्र में कोण POR तथा कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए जबकि A − B = 80 अंश। इस चित्र की सहायता से आप प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1/2 तथा 1/3 के बीच चार परिमेय संख्याएं बताइए, निकालिए, ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी में A − B = 15 तथा B − C = 30 तो कोण एबीसी के मान ज्ञात कीजिए। अब किन्हीं तीन खंडों को हल करना है, इस प्रश्न नंबर 3 में त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का सम विभाजक है तथा एडी तथा बीसी लंब है तो सिद्ध कीजिए AB = BC। चित्र द्वारा सिद्ध करना है A+B+B+C+C+D+E = <2BD+AC। इस चित्र की सहायता से बच्चों ये सवाल हल होगा। अगला है कि सिद्ध करिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अगला है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण A = 100 अंश है तो शेष कोणों का मान निकालो। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 4, कोई एक खंड हल करना है या फिर आप ये वाला करोगे या फिर आप ये नीचे वाला प्रश्न करोगे, कोई एक खंड ही यहां पर करना है। तो ऊपर वाला खंड आप देख सकते हो x की वैल्यू दी है इतनी, y की वैल्यू दी है इतनी, तो x² + y² आपको करना है। खा वाला है, अगर का नहीं करते हो तो खा करोगे, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और प्रश्न नंबर 5 में भी एक खंड ही करना है, शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करने हैं। किसके गुणनखंड करने हैं, x³ − 23x² + 142x − 120। इसके गुणनखंड करना है x³ − 23x² + 142x − 20 के। और लास्ट है, यहां पर आप एक करेंगे, कोई का या फिर खा करेंगे, यदि व्यंजक को x² + px + q + x² + lx + m + x + a से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेषफल शून्य आता है, तो सिद्ध करना है आपको A = m − q − l − p। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको जल्दी देने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सॉल्यूशन आपको चाहिए। मैंने ये पेपर दिखा दिया, अलग अलग कोर्ट के मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, एसएसटी,
ड्राइंग सभी के मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। सॉल्यूशन हम इसका जल्दी लाएंगे, ठीक है। ये पेपर आपको मैंने दिखा दिया है अच्छे से, आप इसको समझ गए होंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आप अलग 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 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर देख सको। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।